जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मोहन और आप देख रहे हैं डिजिटेक एजुकेशन। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग डाइवर्जेंस के ऊपर बात कर चुके थे कि डाइवर्जेंस क्या होता है, हमने उसके ऊपर क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए थे। आज हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर मूव करेंगे और वो है हमारा कर्ल। किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल हम लोग कैसे निकालते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कर्ल, अगर आपको कोई वेक्टर फंक्शन दिया गया है, वेक्टर फंक्शन दे दिया मतलब एफ जो दिया है आपको, f1ik + f2jk + f3kk, और इसका कर्ल आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो कर्ल आप कैसे निकाल सकते हैं? कर्ल जो रहेगा एफ का, उसको आप निकाल लेंगे डेल क्रॉस एफ। ध्यान देना, डाइवर्जेंस में हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे, जैसे कैसे याद रखना इसको कि डाइवर्जेंस जब आपने निकाला था तो डाइवर्जेंस में डी आ रहा था मतलब डॉट प्रोडक्ट, और कर्ल में सी आ रहा है मतलब आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रख लेना, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये हम प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन वीडियोज को भी जरूर देख ले, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन दे दिया एफ, जो है कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, डेट इज f1ik + f2jk + f3kk, और इसका कर्ल आपसे पूछा गया है। तो इसका कर्ल सिंपल सा हम निकाल सकते हैं, डेट इज कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल्स टू ग्रेड मीन्स डेल क्रॉस एफ, और इसको आप इस प्रकार से डिटर्मिनेंट बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको पता होगा, आप लोगों ने बचपन में किया होगा, डेट इज 11th 12th क्लास में अपना डिटर्मिनेंट सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। इसको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कर्ल में हम क्रॉस करते हैं और डॉट डाइवर्जेंस में हम डॉट करते हैं। ठीक है, और यहां से हमें ध्यान देना, डाइवर्जेंस जब हम लोगों ने निकाला था तो वहां से हमें क्या स्केलर क्वांटिटी मिल रही थी, लेकिन कर्ल से हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी फाइनली, जो आंसर मिलेगा इसको मैं आपको बताऊंगा, प्रूफ भी करूंगा कैसे मिलेगी ये। ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो ध्यान देना, कर्ल ऑफ एफ है उसको हम रोटेशन ऑफ एफ बोल देते हैं। क्या? जो कर्ल है हमारा, जो कर्ल हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसको क्या बोल देते हैं? रोटेशन ऑफ एफ। जो हमें वेक्टर पॉइंट फंक्शन दिया रहेगा उसका रोटेशन शो करना है, साथ में जो डेल क्रॉस एफ नॉट इक्वल होता है एफ क्रॉस डेल के, ये आपको पता होगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी का उसमें ऐसो जो प्रॉपर्टी होती है हमारी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज नहीं लगती है। ठीक है, फिर बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आता है, वो है हमारा इरोटेशनल वेक्टर। इरोटेशनल वेक्टर का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई सब्सटेंस वाटर के अंदर डाल दिया, जो वाटर फ्लो हो रहा है तो मतलब उसमें घूमना नहीं चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या होगा कि कोई फंक्शन है हमारा, क्या लेट एफ बी ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वहां पर जो सॉरी हम बात कर रहे थे रोटेशनल इरोटेशनल वेक्टर की, तो कर्ल ऑफ एफ अगर आपका जीरो आ जाएगा, कर्ल ऑफ एफ अगर आपका जीरो आ रहा है मतलब वो इरोटेशनल वेक्टर होगा। ठीक है, हमने बात करी थी सोलेनोइडल वेक्टर की, सोलेनोइडल वेक्टर में क्या हुआ था कि डाइवर्जेंस अगर जीरो आता है तो वो सोलेनोइडल वेक्टर होगा, लेकिन अगर हमारा कर्ल जीरो आ रहा है मतलब वो इरोटेशनल वेक्टर होगा। ठीक है, ये चीज तो यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट की, जो है स्केलर पॉइंट या स्केलर पोटेंशियल ऑफ एफ। किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का स्केलर पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, हम लोगों ने मान लिया कोई एफ जो है हमारा वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, और वहां पर हमारा उसका क्या वेक्टर पॉइंट फंक्शन है और उसका स्केलर पॉइंट फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, डेट इज फाई, सच डेट एफ की जो वैल्यू है वो हमारी ग्रेड फाई है, और एफ को हम ग्रेड फाई से ऐसे डिनोट कर सकते हैं। देन जो एफ हमारा है, एफ क्या है? कंजर्वेटिव है। ठीक है, एफ को हम कंजर्वेटिव बोलेंगे, और जो फाई यहाँ से निकलेगा उसको हम स्केलर पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये चीज बेसिक थी जो आपको पता होना चाहिए, जब इसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो और अच्छे से आपको चीज क्लियर हो जाएगी। अभी जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन बुक की मदद से बता देता हूँ, जिससे कि आपको ये प्रूफ हो जाए कि जो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या आएगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको जब डाइवर्जेंस बताया था उस वक्त भी यही क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन कि
एफ की वैल्यू आपको दी गई है और आपसे बोला है कि डाइवर्जेंस और कर्ल निकालो। तो डाइवर्जेंस में आपको इसमें पहले ही बता चुका था, कर्ल की बात हम करते हैं। तो कर्ल जब आपको निकालना है तो कर्ल के लिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूले बताए थे, ठीक है। और फॉर्मूले में क्या हो रहा था, फॉर्मूले के अंदर अगर आप बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या था हमारा, ये फॉर्मूला था कि कर्ल ऑफ वेक्टर एफ जो है हमारा वो इस फॉर्मूले से निकलता था, आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड एफ वन एफ टू एफ थ्री, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लेना डेल आई जे के ऐसे आएगा डेल एक्स बाय डेल बाय डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल बाय डेल जेड, और ये एफ वन की वैल्यू यहाँ से निकाल कितने रखोगे आप, एक्स जेड क्यूब, एफ टू की वैल्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई जेड, और एफ थ्री की वैल्यू टू वाई जेड की पावर फोर, यहाँ से उठा उठा के पुट कर देना। जब आप इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट से आपको ये फाइनली जो आंसर मिलेगा, इसमें देखना आपका आई जे के मीन्स डायरेक्शन यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये क्या क्वांटिटी है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जब आपने डाइवर्जेंस निकाला तो डाइवर्जेंस में आपका आई जे के नहीं आ रहा था, मतलब ये हमारी स्केलर क्वांटिटी थी। तो यहाँ से ये चीज प्रूफ होती है कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ हमारी स्केलर क्वांटिटी मिलती है और कर्ल ऑफ एफ हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। तो आई होप चीजें आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट वीडियोस में हम काफी और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप उनको भी जरूर देखिएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो सिविल इंजीनियर से रिलेटेड भी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। थैंक यू।